चैनल वंस अगेन. आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. और आज है ट्यूसडे, इट्स मॉर्निंग टाइम. मैं जस्ट अभी वॉक करके आई हूँ बाहर से, और बाहर का वेदर ओ माई गॉड बहुत अच्छा है. यहाँ पे मॉर्निंग एंड इवनिंग का वेदर बहुत अच्छा रहता है, बट डे टाइम में अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ सनशाइन, धूप और गर्मी फिर से स्टार्ट हो गई है. बट मॉर्निंग एंड इवनिंग का मौसम तो बहुत बहुत अच्छा लगता है. तो बस मैंने सोचा कि बाहर निकला जाए, थोड़ा सा बाहर के नज़ारे देखे जाएँ, और अच्छा भी लगता है व्हेन यू आर आउट इन नेचर. तो बस वही है, अभी मैं वॉक करके वापस आई हूँ और इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ. और इस ब्लॉग को स्टार्ट करते करते मैं आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु हैव सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल, बिकॉज विदाउट यू दिस चैनल इज़ नथिंग. एंड आप लोग इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे करते हैं, मुझे मिस करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड ट्रस्ट मी, इतने सारे दिन जितने मैंने भी ब्लॉग्स नहीं बनाए, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया. डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी कि अब मैं अपने ब्लॉग्स के साथ रेगुलर हो जाऊं. अब मॉर्निंग टाइम है और लंच वगैरह बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब कुछ काम अपना. तो आज लंच के लिए बन रहे हैं दाल के पराठे. दाल बनी थी कल रात को, तो वो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा उसका डो बना लेती हूँ. और एक स्टव पे चाय बन रही है, और साथ ही मैं अपना गर्म पानी भी पी रही हूँ. और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये प्लास्टिक का कंटेनर कैसा होता है दूध का. तो यूएस में ये पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है, वी डोंट हैव टू बॉयल इट, हम जस्ट इसे वार्म करते हैं और पी लेते हैं. तो इसी प्लास्टिक के कंटेनर्स में ही ये दूध मिलता है, तो हम लोग यही यूज़ करते हैं. और देखिए यहाँ पे मेरे गर्मा गर्म पराठे भी बन के रेडी हो गए हैं. सो लंच रेडी हो चुका है. मैंने आज दाल के पराठे बनाए हैं, ये आलू मेथी की सब्जी है जो कल डिनर से बची हुई है, और थोड़े से फ्रूट्स में मैंने एक पीच दिया है और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज. और अब हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी. तो अंशुल के लिए मैं बना रही हूँ ऑमलेट. ऑमलेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट स्टाइल बनाने की कोशिश करती हूँ, इसमें हरी मिर्चा, धनिया, प्याज काटती हूँ, बट आज मैं प्याज डालना भूल गई थी. और थोड़ी सी चीज़ मैं डाल देती हूँ, और जस्ट 1 टीस्पून मिल्क. इससे ऑमलेट जो है आपका बहुत ही फ्लफ़ी बनेगा और बहुत यम लगता है खाने में. मैं नहीं खाती, अंशुल का फीडबैक है ये कि उनको दूध डाल के जो फ्लफ़ी बनता है वो बहुत पसंद आता है. तो बस अभी मैं बना रही हूँ, और आज मैं प्याज डालना भूल गई, बट कोई बात नहीं, सिंपल भी ये बहुत अच्छा बनेगा. बस इसकी टिप है कि इसे कवर करके कुक करूंगी मैं. सो फ्रेंड्स, अंशुल अभी अभी जा चुके हैं, और अभी 8:10 हुआ है. मैंने अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बना लिया है, और मैंने बनाया है ये स्ट्रॉबेरी शेक, दही से बनाया है, और मुझे ये बहुत यम लगता है. इसमें थोड़े से मैंने आलमंड्स डाल लिए हैं, और ये मुझे गुड 2-3 आवर्स के लिए फिल रखेगा. और ये ब्रेकफास्ट मैं लास्ट 1 वीक से कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है. और इस नॉटी बेबी के लिए मैंने बनाया है बनाना शेक, मैं उसे बनाना जूस बोलती हूँ क्योंकि इसे शेक से लगता है कि मम्मी ने पता नहीं क्या बना दिया, इसीलिए बनाना जूस है इसका. और यस, इट इज योर बनाना जूस, यू लाइक योर बनाना जूस. सो ही इज डूइंग किसी टू बनाना जूस. यू लाइक बनाना जूस, आपको पसंद है? कितना? अच्छा, कार को भी पिलाना है. तो उसने अभी रिसेंटली क्या शुरू किया है कि जो भी उसके हाथ में चीज होती है, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, कार हो, कुछ भी हो, वो उसको भी अपना खाना खिलवाता है मुझसे. अच्छा, हेलीकॉप्टर को भी पिलाओगे? तो वो हर चीज को, जो भी उसके अराउंड चीजें हैं, वो हर चीज को अपना खाना मुझसे खिलवाता है. तो पता नहीं मैं कितने लोगों को घर पे आजकल खाना खिलाती हूँ अपने. बहुत यम है, एक बार आप इसे ट्राई करिएगा. दही में स्ट्रॉबेरीज को के साथ ब्लेंड कर लो, और उसके बाद थोड़ा सा हनी इसके अंदर ऐड करो, और एलमंड्स, बहुत यम लगेगा. और हम लेडीज के घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते, तो शाश्वत कार्यक्रम चलता ही रहता है. तो बस ब्रेकफास्ट के बाद मैंने किचन वगैरह क्लीन कर ली है, और अभी मैं अपना बेडरूम ठीक कर रही हूँ. और अनिरुद्ध मेरे साथ ही रहता है, जहाँ पे मैं जाती हूँ वो उसी रूम में आ जाता है. और आज तो वो सुपर एक्साइटेड है, बार बार कैमरा के सामने आ रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो कैप्चर हो जाए वीडियो में. क्या बना रहा है बेटा? पार्किंग लॉट. ओके, कौन सी कार लगा रहा है? टंकी. व्हाट इज दिस? क्या है ये बताओ?
एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस। और ये व्हाइट कलर का क्या है ये? हाँ वैन है। ओके गुड। और ये क्या है गोविंद का, ये कौन सा ट्रक है? ये वाला ग्लास ट्रक। ग्लास ट्रक, अच्छा। और ये कौन सा ट्रक है? अच्छा ओके लगा दो। ओ वाओ, ये कौन सा ट्रक है? फ्राइज का ट्रक। फ्राइज का ट्रक है? आपने फ्राइज से लिया था ये? ओके लगाओ। और स्कूल बस। ये स्कूल बस है? ओ वाओ, गोविंद के पास तो टू टू स्कूल बस है। हाउ मेनी स्कूल बस? नो यू हैव थ्री, वन टू एंड थ्री। काउंट करके बताओ मम्मा को। टैक्सी भी है? वाओ, काउंट करो कितनी है। गुड जॉब। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और फ्रेंड्स, आज मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत एक्साइटिंग चीज शेयर करनी है, वो है ये इटेक्सिटी स्मार्ट वेइंग स्केल। ये आपको खाली वेट मेजरमेंट नहीं देता, बाकी और भी बहुत सारी मेजरमेंट देता है, जैसे कि BMI, बॉडी फैट, बॉडी वाटर वेट, बॉडी प्रोटीन, जो कि ओवरऑल फिटनेस जानने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड एक इसकी अच्छी बात यह है कि आपके मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, तो उसके सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे स्केल पे ही मिल जाएंगे। बट फॉर योर कन्वीनियंस मैं अभी आपको क्विकली दिखाती हूँ कि आप इसे फ़ोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आप ऐप स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, VSync, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऐप है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने आप मोबाइल डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन करके आप मोबाइल को स्केल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप स्केल पर खड़े होंगे तो ये सब आपको आपका वेट, BMI, बॉडी फैट, बॉडी मास और बॉडी वाटर, ये सब आपको सारी रीडिंग्स दिखाएगा। और एक अच्छी बात इस ऐप की ये है कि इसमें मेमोरी है। सपोज आप आज वे करते हैं और अ वीक लेटर फिर से आप वे करते हैं, तो ये ग्राफ के थ्रू आपको दिखाएगा कि आपने कितना वेट लूज किया या कितना गेन किया। एंड द गुड पार्ट इज इट गेट्स कनेक्टेड टू एलेक्सा, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दो अभी मेरे पास एलेक्सा नहीं है, बट फॉर श्योर जब हम कभी एलेक्सा लेंगे तो इस ऐप को मैं उसके साथ भी कनेक्ट कर सकती हूँ। सो दिस वॉज सेंड टू मी बाय इटेक्सिटी कंपनी। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इट टू मी। एंड मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। इन केस अगर आपको भी वेइंग स्केल चाहिए तो इसका डायरेक्ट परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे बाय कर सकते हैं। और अब हम बनाने वाले हैं लंच, और आज बनेगी आलू गोभी की सब्जी लंच में। मैं तो आलू गोभी की सब्जी ऐसे ही खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बट ये नहीं खाता है, इसीलिए उसको मैं थोड़ा मैश करके पराठे के अंदर फिल कर देती हूँ। जनरली मैं जो भी सूखी सब्जी बनाती हूँ उसको पराठे के अंदर फिल कर देती हूँ इसके लिए, तो बस अभी वही मैं बनाऊंगी। और फ्लोरेट्स वगैरह मैं ऑलरेडी काट करके रखती हूँ फ्रिज में अपनी, और बस आलू वगैरह कट कर लिया है। और शाम को बनेगी मटर पनीर की सब्जी, तो उसी के लिए भी जो भी चॉपिंग वगैरह है, टमाटर प्याज जो भून के रखना होता है, क्योंकि उसकी प्योरी के लिए हमें भून के मैं ग्राइंड करती हूँ उसको, तो वो सब भी मैं साथ साथ काम कर लूंगी, जिससे कि शाम का जो टाइम है वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो जाए। आलू गोभी की सब्जी तो बनाना बहुत ही सिंपल होता है, आई एम श्योर आप सभी लोग घर पे बनाते होंगे। बस मेरी मम्मी जिस तरीके से बनाती थी मैं उस तरीके से बनाती हूँ, जैसे गरम तेल में हल्दी डाल के, हल्दी थोड़ी सी जब कुक हो जाती है तो सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, ब्राउनिश कलर आता है, जिससे वो देखने और खाने दोनों में ही बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस मेरी आलू गोभी की सब्जी कुक होगी एक स्टव पे, और एक स्टव पे मैं अपना प्याज टमाटर जो मुझे मटर पनीर की सब्जी के लिए भूनना है वो कर रही हूँ अभी।
अनिरुद्ध अभी सो रहा है लंच करके, एंड मैंने जस्ट अभी अभी अपना केंटकी ट्रैवल ब्लॉग पार्ट 2 फिनिश किया है एडिटिंग करके, और अब मैं थंबनेल वगैरह डिजाइन करूंगी एंड दिस वीडियो विल गो अप टुडे। तो बस अभी मैं एडिटिंग का काम खत्म करूंगी और फटाफट से जो डिनर का है मटर पनीर की सब्जी है वो फिनिश कर दूंगी। उसके बाद अभी अंशुल का फोन आया था कि आज हम अनिरुद्ध को पार्क लेकर जाएंगे, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव इवनिंग फन। अभी मेरा सारा डिनर वगैरह सब प्रिपेयर हो गया है, जस्ट मैंने राइस सोक करके रख दिया है, इफ इन केस अगर सबको राइस खाना होगा तो वो झटपट बन जाएगा। आटा रखा है मेरे पास और आलू गोभी की सब्जी तो मैंने दोपहर को ही बनाई थी, और ये मेरी मटर पनीर की सब्जी भी बिल्कुल रेडी रखी है। और अब मैं जाऊंगी गोविंद को उठाऊंगी क्योंकि वो बहुत देर से सो रहा है, तो अब मैं उठाती हूँ वरना वो रात को बिल्कुल नहीं सोता है, बहुत तंग करता है रात में। तो अभी मैं देखती हूँ वो उठा है या नहीं। ओ हो, उठा ही हुआ है। गुड्डो टक 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 टक, डैडी आ गए। पार्क जाना है आपको? हाँ पार्क जाना है। पिकअबू खेलोगे? किसके साथ खेलोगे पिकअबू? आओ आओ प्ले करेंगे, पिकअबू प्ले करेंगे। सो देयर इज अ चेंज इन द प्लान, हम लोग पार्क नहीं जा रहे अभी, हम लोग जा रहे हैं पूल एरिया। एक्चुअली वो दोनों जा चुके हैं पूल में, डैडी आते ही वो सुपर एक्साइटेड टू गो टू द पूल, एंड मैं अभी जा रही हूँ उन लोगों के साथ एंजॉय करने। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। In mailbox today, this is an invitation card. ये लखनऊ से आया है। हमारे यहाँ लखनऊ में रामनवमी बहुत बड़ा मनाया जाता है, हर साल ही रामायण का पाठ होता है for 24 hours और उसके बाद खाना होता है। तो इस बार जो मेरे पापा जी हैं वो थोड़ा सा और elaborate function कर रहे हैं, उसमें और भी ज्यादा थोड़े से क्लोज नियर एंड डियर वंस को बुलाया जा रहा है, और हम लोगों को भी कार्ड उन्होंने भेजा है जिससे कि हम लोग लेफ्ट आउट फील ना करें और लूप में रहें। दो हम लोग जा नहीं पाएंगे, बट कार्ड रिसीव होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। और अभी अनिरुद्ध और अंशुल दोनों ही शावर ले रहे हैं और उसके बाद मैं डिनर प्रिपेयर करूंगी। हमें लगा था कि काफी गर्म होगा बट पूल जाकर लगा कि काफी ठंडा था, तो हम लोग जल्दी से ही उसे ले आए। और बस डिनर में आपने देखा ही है, सब कुछ तो बना ही है, बस मुझे रोटी सेकनी है, तो बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं है। और दिस इज हाउ सिंपल माई डे वॉज। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, थैंक यू सो मच, एंड यू नो आई लव यू गाइज अ लॉट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।